किस तरीके से होता है फ्लैंगिंग पता है आपको? नहीं बहन, हम तो आज ही पैदा हुए, हमें कुछ नहीं पता है। हाँ, हमें कुछ नहीं पता है क्या फ्लाइंग किस होती है, कुछ नहीं पता है। देश भर में ऐसा कोई भी एक नेता देखा गया? हाँ। जिसको महिलाएं इस तरीके से मोहब्बत करते हुए कभी देखा गया? हाँ। महिलाएं, लड़कियां, छोटी बच्चियां आकर राहुल जी को गले मिल रही है, रोजेस दे रही है, इतने प्यार मोहब्बत से राहुल जी से मिल रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि राहुल जी के अभी फिलहाल इतने बुरे दिन चल रहे हैं कि वो स्मृति जी को जो है फ्लाइंग किस दे। लेकिन बीच महिला पार्लियामेंट ने लिख के दिया स्पीकर पे कड़ी कार्रवाई और होगा भी पर। अच्छा। हाँ। इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए सबसे पहली बात तो, जो ये उड़ती तीर ले रही है ऊपर। हाँ। प्रूफ बता दो ना, अगर प्रूफ सही हो जाते तो फिर कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ। ये कुछ भी अगर राहुल जी मुंह से निकालते, कोई अगर इनके खिलाफ अगर कोई बात करता है, इनकी असलियत अगर कोई सामने लेकर आता है तो ये सीधा इनको बॉयकॉट कर देते, ये सीधा इनको पार्लियामेंट से निकाल देते। क्यों, इनके बाप का देश थोड़ी है ये। लेकिन जिस तरीके से स्मृति ईरानी बार बार राहुल गांधी के लिए बोलती है, उन पर तंज कस रही है, तो बोलने दो। हाँ। काम ही देखिए, उनको पार्लियामेंट में बिठाया गया है जनता की बात करने के लिए, महिलाओं की बात करने के लिए, बच्चों की बात करने के लिए, लेकिन उनका मुंह खाली राहुल जी को ही देख के खुलता है। कब अभी राहुल जी को ही जा रही है, कहना मैं जो चाह रही हूँ ना वो आप भी बहुत अच्छे से समझती है, ठीक है? आप गोदी मीडिया वाले बहुत अच्छे से समझते हो और इस देश की जनता भी बहुत अच्छे से समझती है कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। मोदी जी से दिल भर गया है, अभी आ रही है राहुल गांधी जी के पास, जो कि राहुल गांधी जी उनको तो बिल्कुल भी कुछ भाव और रिस्पॉन्स तो दे नहीं रहे। मोदी जी से लोगों का नहीं बोल रही हूँ मैं, स्मृति जी का बोल रही हूँ मैं, आप अच्छे से सुन लो पहले, ठीक है? लेकिन राहुल गांधी की अभी शादी नहीं हुई तो स्मृति ईरानी इतनी खूबसूरत, पहले उनको तो कोई भी फ्लाइंग किस करेगा ना। खूबसूरत आपको लग रही है? अब मैं आपको लग रही है क्या, आपको लग रही है क्या खूबसूरत? आप राहुल जी के लिए ऐसे कैसे बोल सकती है राहुल जी को वो खूबसूरत लग रही है? राहुल जी ने एक भी बार बोला है क्या ये चीज कि वो मुझे खूबसूरत लग रही है? स्मृति ईरानी ने तो कहा है ना कि पार्लियामेंट में, अरे वो कहेगी तो क्या, क्या अगर वो कहेगी दिन को रात कहेगी तो क्या रात हो जाएगी? झूठ तो नहीं बोलेंगी ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। हद होती है यार, क्या झूठ नहीं बोलेगी? राहुल जी ने अगर उन्हें टच किया होता जाकर। हाँ। अच्छा मेरी एक बात सुनिए आप। हाँ। इतने सांसद पीछे बैठे, ठीक है, इतने सांसद पीछे बैठे, अगर उन्होंने किसी अपने दोस्त को फ्लाइंग किस कर दिया होगा तो भी अपने ऊपर ले रही उड़ती तीर, इसका क्या मतलब होता है? राहुल जी ने अगर नाम लेके किसी को अगर दिया होता फ्लाइंग किस, उससे आपको क्या करना है? आप देश की हालात बताइए ना, आप देश के हालात बताइए, देश के अंदर कितनी बेरोजगारी चल रही है ये बताइए ना। आप राहुल जी के पीछे क्यों पड़े हैं? आप राहुल जी के पीछे क्यों पड़े हैं? मेरे को पहले ये बात ये बताइए। अरे आप ये नहीं पूछेंगे, मेरी बात सुनिए, बीच में मत बोलिए मुझे, अगर आप सवाल पूछ रहे हैं ना मुझे जवाब देने दीजिए। सवाल पूछ रहे हो ना आप गोदी मीडिया मुझसे, तो मुझे जवाब देने दीजिए, ठीक है? हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हो बोलो। कभी राहुल गांधी पार्लियामेंट में हाथ मारते हैं, कभी फ्लैग करते हैं। जब मोदी जी गंदे इशारे करते हैं, बड़े बड़े नेताओं के बेटे आईपीएल के अंदर बैठ के जैसा गंदे इशारे करते, वो आपको नहीं दिखता है? वो आपको नहीं दिखता है? आप तो सत्ता के पैसे खाने वालों में से ना, आप गोदी मीडिया, आप लोग वो कैसे दिखाओगे? अरे मैं क्यों पढ़ी हूँ भाई, मैं क्यों पढ़ी और मैं कौन होती हूँ पढ़ने वाली? मेरे पास काम धंधे नहीं है क्या? इन्होंने तो बेरोजगार करके ही रखा है हमें। राहुल जी को हरा दिया, ये हार अभी तक आप पचा नहीं पा रहे मुझे लग रहा है। आ गए ना वो वापस? आ गए ना? अरे बैटिंग में हराया, वापस आ रहे हैं राहुल जी? बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। इस चीज का सबूत आप लोगों ने भारत जोड़ो, मुझे जवाब देने दीजिए, मुझे मत रोकिए आप लोग बीच में। अगर सवाल पूछने की हिम्मत है तो जवाब सुनने की भी हिम्मत रखिए आप लोग। राहुल जी वापस आ रहे हैं और उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। आज सत्ता डरी हुई है, हिली हुई है, ठीक है? इसीलिए ये जो खौफ है ना ये दिख रहा है और आप लोग भी दिखा रहे हो ये खौफ। आप लोग ये जनता को दिखा रहे हो खौफ। मैडम क्या राहुल गांधी स्मृति के सामने जीत पाएंगे? क्योंकि स्मृति ईरानी पहले, स्मृति ईरानी है कौन, है कौन? टीवी सीरियल एक्टर, वो राहुल जी को कॉम्पीट करेगी? वो राहुल जी को कॉम्पीट करेगी है क्या? जनता की चुनी हुई है क्या? मेरी बात बताओ, इतने मणिपुर में औरतों के साथ कुछ हुआ, इतना कुछ हुआ, उनका मुंह खुला, इन्हें ये सारी बातें करने के लिए सांसद में बिठाया गया, पार्लियामेंट में बिठाया गया, उनका मुंह नहीं खुलता? तभी हमारा दिल खौफ से खा जाता, हमें रोना आता है चीजें देख के और उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकलती है। लेकिन मोदी जी बेटी बचा रहे हैं, बेटी पढ़ा रहे हैं। अरे कहा किसकी बेटी बचा लिया उन्होंने? किसकी, आपकी बेटी बचाई? कहते हैं इस दिल्ली की बेटी बचाई, मणिपुर की बेटी बचा पाए? अरे सत्ता तो नहीं की है ना यार,
सत्ता उन्हीं की है, किसकी बेटी बचाए? पहली बात तो आड़े तेरे सवाल मत करो मैडम। अब वो अपने वाइफ को नहीं छोड़े बल्कि देश हित के लिए वो पूरा अपना जो फकीर आदमी है वो, तो फकीर आदमी है तो क्या देश को फकीर बना के रख दिया उन्होंने? देश को फकीर बना दिया ना उन्होंने, देश विश्वगुरु बन रहा है। अब तीसरे एक मिनट, विश्वगुरु क्या है? विश्व ने उनको थोड़ी चुनाव में से जिताकर उनको यहाँ लेकर आया, जनता ने दिया ना, गरीबों ने, किसानों ने, हमने से युवाओं ने दिया ना उनको वोट देकर बिठाया है। और आप लोग एक मिनट, आप लोग क्या 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 किसका डंका बज रहा है? दुनिया में दुनिया वालों ने उनको वोट नहीं दिया है भाई साहब, दुनिया वालों ने उनको वोट नहीं दिया, इस देश ने वोट दिया है। इस देश की बातें होनी चाहिए। 2024 में आ रहे फिर से बोल दिए, बोल दिए किसको? बोल दिए सदन में बोल रहे हैं। अरे आने दो ना, आने दो, हम भी दिखाएंगे। आज जो इतना खौफ चल रहा है ना इस देश के अंदर, ऐसे ही नहीं चल रहे, ठीक है? राहुल गांधी से डरेंगे क्यों ना? राहुल गांधी एक बार प्रधानमंत्री रहे हैं ना, कुछ तो डरेंगे क्यों राहुल गांधी? है तो वो गांधी ना, हाँ गांधी से तो डरा ही जाता है। क्या लगता है मोहब्बत की दुकान खोल रहे इसलिए डर रहे हैं मोदी जी? दुकान खुल रही नहीं है भाई, हिट चल रही है। कैसे मतलब? क्या बिल्कुल हिट चल रही है। और अब जो दूसरी भारत जोड़ो निकलने वाली है ना, उसका खौफ इनको अभी से ही लगने लग गया है। बीजेपी कह रही है दुकान में सामान नहीं बचा कांग्रेस लोगों के, क्योंकि तुमने झोला उठा के पूरे देश को भेज दिया है ना, इसीलिए। फिर भी हम झोले में से तुम्हारी मोहब्बत छीन के इस देश को रिटर्न करेंगे। मोदी जी तो लगातार कहते हैं ये फकर फकीर हूं, झोला उठा के चल दूंगा। तो फकीर है ना, तो आपसे पूछा भी जाएगा लास्ट में कि फकीर के झोले में लेकर क्या गए हो, ठीक है? लेकर क्या गए और कितना कुछ लेकर, और छीना जाएगा आपसे हर चीज का जवाब लिया जाएगा आपसे, सवाल भी पूछा जाएगा और आपसे जवाब भी लिया जाएगा। जब सुधीर चौधरी ने स्मृति ईरानी से पूछा क्या खाने के वक्त आपके घर पे टमाटर की चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा था आप तिहाड़ गए थे, मैं उसका जवाब मांगूं कि क्या हुआ था? देखिए मैं ये सारी चीजों को नहीं जानती, लेकिन जब बाटला महंगा हुआ तो वो चल रही थी ना रोडों पर, उसका क्या? उसका क्या? और आज जब महिलाओं के घर के अंदर महंगाई से जब बाटले आ ही नहीं रहे, हाँ, तो उनका मुंह बंद है। फ्री में तो दे दिया, धुएं क्या फ्री में दिया? आपको मिला, मुझे नहीं मिला, हाँ मुझे तो नहीं मिला भाई, आपको मिला होगा। आप लोग तो हो गोदी मीडिया, देखो आप लोग हो गोदी मीडिया, आप हो सत्ता के, आप क्यों क्यों नहीं, बिल्कुल आप लोग सवाल पूछ रहे ना, आप लोग ये मुझे, आप लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हो। ये कह रहे गुजराती ने देश लूट लिया, तो लूटा ही है, सारे जितने भी लुटेरे भागे सारे गुजराती है, सारे जेठालाल ही है, अपमान कर रही है, सारे गुजरातियों का नहीं कर रही हूँ, सारे जितने लूट के भागे हैं मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ, सारे गुजरातियों की बात नहीं कर रही हूँ। आप लोग गलत इल्जाम ना लगाए मुझ पे, क्या होगा ना आने वाले समय होगा उनसे हिसाब, क्यों नहीं होएगा? हर चीज का हिसाब लिया जाता है। अच्छा स्मृति ईरानी के जवाब से आप खुश हैं या सुधीर चौधरी के? अगर खुश होती तो इतना चीख चीख के चिल्लाती थोड़ी, इतना गुस्सा थोड़ी निकालती आप लोगों के ऊपर में। सुधीर चौधरी का सवाल सही था क्या? सही था सुधीर चौधरी का सवाल, टमाटर को लेकर, महंगाई को लेकर सवाल किया कि आपके घर में। अरे जितने भी सवाल है सब सही है, तभी तो इनके ऊपर आग लगी हुई है ना, इनको कुछ नहीं दिखाने, इनको कुछ नहीं दिखाने, खाली वो सीमा को दिखाना है, इधर से आ गई भाग के, उधर से आ गई भाग के, उसके ऊपर वो लल्लू पप्पू फकीर झिंगुर ये सारी चीजें दिखा रही है लोग, मीडिया आप लोग ही दिखा रहे हो, आप लोग हाँ हाँ मत करो मुझे देखकर, आप लोग ही दिखा रहे हो। वो मुद्दा तो है ना, हाँ वो लपू साचा सिंह सही बोले आपने, फिल्म बन रही है, केस हो जाएगा शाहरुख खान की तरह, किसके ऊपर केस होगा? मुझ पे केस होगा, केस होगा जिन्होंने लप्पू और झिंगर कहा था, कोर्ट के चक्कर काट रही है, नोटिस गया है। अरे तो काटने दो ना, जो गलती करेगा वो तो सजा काटेगा, सेम उसी तरीके से मोदी जी को भी सवाल किया जाएगा, चलिए लास्ट, और जो गलती करेगा उसको इस देश के संविधान के हिसाब से सजा दी जाएगी। चलिए लास्ट में पूछूंगी, स्मृति ईरानी से क्या कहना चाहेंगी आप? स्मृति ईरानी से ये कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से आप पहले जो सीरियल्स में काम करती थी, आप वो अपनी दुकानें चालू कर दीजिए करना, क्योंकि बहुत जल्दी आपका ये खत्म होने वाला है, वक्त जो है अभी खत्म होने वाला है। और एक मिनट मुझे जवाब, अरे आप मुझे जवाब ही नहीं देने देते हो यार, तो सवाल ही मत पूछो भाई आप मुझसे, बताएं आप उनके घर में बिठाइए उनको, जो इंसान से काम नहीं होता है उसका घर में बैठना चाहिए। राहुल गांधी को हराया उन्होंने, अरे राहुल गांधी को हराया है ना, राहुल गांधी को हराया है ना, राहुल जी वापस आ चुके हैं। आप राहुल गांधी को फ्लैंक किस करेंगी? अरे यार पूरा देश की महिलाएं उन्हें इतनी मोहब्बत दे रही है, गले मिल रही है, उन्हें इतना प्यार दे रही है, सम्मान दे रही है, सपोर्ट दे रही है, बिल्कुल हम तो राहुल जी के साथ है। किस तरीके से होता है फ्लैंक किस पता है आपको? नहीं बहन हम तो आज ही पैदा हुए, हमें कुछ नहीं पता है, हमें कुछ नहीं पता है क्या फ्लाइंग किस होती है, कुछ नहीं पता है।